थैंक यू सो मच टेली चस्का फॉर हैविंग मी. यस ओह स्वीट, थैंक यू सो मच. वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साह का माहौल है. वेरी एंथुसियास्टिक, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 19th फेब कि जल्दी से 19 फरवरी आए 8:30 बजे और आप हमारा शो कुछ री जगत की ऐसी है सोनी चैनल पे देखें. जी जी हाँ, अरे आई एम सो हैप्पी कि चलो आपने नोटिस तो किया. मेरा यही एक मोटिव है बीइंग एन एक्टर कि आई थिंक वर्सेटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग एन एक्टर आपको वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लुक्स विथ योर कैरेक्टर्स. एंड फॉर मी एज आई टोल्ड दिस मैनी टाइम्स बिफोर कि आई डोंट बिलीव इन दिस लीड शॉर्पनर पेंसिल रबर. गिव मी अ गुड रोल, गिव मी अ गुड कैरेक्टर, ऑडियंस आपको हीरो लीड सब बना देती है. एंड टच वुड आई फील वेरी ब्लेस्ड, अम्मा की दुआएं, ऑडियंस का प्यार है, जो मुझे काम भी अच्छा मिलता रहता है. तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस को मेरा काम पसंद आए और हर बार उन्हें कुछ नया फ्लेवर दे सकूँ. इस कैरेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि मुझे गुजराती लड़का लगना था. सो गुजराती लड़कों जो होते हैं वो बड़े मनी माइंडेड होते हैं, शार्प होते हैं, वेरी स्मार्ट होते हैं. दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी, फ्यूचर, सक्सेस, प्रोग्रेस. तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था, वो एक माइंडसेट अपने माइंड में पहले लाना कि एक गुजराती लड़का क्या सोचता है कुछ भी करने से पहले, फैमिली रिलेशनशिप क्या होती है. तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स लाइक प्योर गुजरातीज, तो उनके साथ बैठना, बातें करना, तो उनको भी लगता था भाई क्या हो गया, डेली क्यों कॉल कर रहा है, कि उनको बता नहीं सकता था कि आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, में इसलिए कर रहा हूँ. तो उनको भी थोड़ा डाउट रहता था, भाई आज इतना प्यार, इतनी दोस्ती, क्या चल रहा है ये. सो धीरे 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 दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ यू ग्रो. एंड टच वुड आई बीन वर्किंग हार्ड, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 4 मंथ्स, 4 महीने से हम शूट कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, और पहला मेरा शो होगा आज इतने सालों के करियर में जो 4 महीने बाद आने वाला है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की हम लोगों ने. मीरा का फर्स्ट इम्प्रेशन था कि यार ये बड़ी एटीट्यूड वाली लड़की है, ये बड़ी खड़ूस है, ये बड़ी इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं बोलती, शांत रहती है, टेक दिया अपने रूम में, टेक दिया अपने. तो फिर मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने तेरी दिक्कत क्या है, तेरी परेशानी क्या है लाइफ में, क्योंकि जान बीइंग जान, अगर आप नरेन और जान को देखोगे तो नरेन ये तो जान कहीं और ही है. तो कुछ बहुत डिफरेंस है दोनों की पर्सनालिटीज में. तो मेरा वाज लाइक एनी जान, आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट, मैं इतनी जल्दी जलप नहीं होती लोगों से, आई टेक माई ओन टाइम, बींग वेरी पॉजिटिव, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है. सो देन स्लोली स्लोली आप दोस्त बनते हो, काम करते हो, आपको एक दूसरे की आदतों के बारे में पता चलता है. सो नाउ वी आर रॉकिंग टुगेदर, वी किंग किलिंग इट. कौन सा था आपका? अच्छा हाउ स्वीट, या सो बेसिकली देखिए टीवी ना ज्यादातर देखा जाए तो मेल डोमिनेटिंग होता है, यू नो के लड़कियों को ज्यादा बढ़ के चढ़ के दिखाया जाता है, होना भी चाहिए क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी को दिखाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो घर की औरतें भी कनेक्ट कर पाती हैं. तो अभी तक का तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया है एंड आई होप कि आगे भी बहुत अच्छा है. ओके, तो लास्टली ये जानना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर से रियल लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है. देखिए मेरे इम्प्लीमेंट ये होने वाला है कि अब जब मैं किरदार करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा शांत हो जाता हूँ किरदार के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा सटल है, कम बोलता है, जब भी बोलता है बहुत कैलकुलेटिव बोलता है, ही चूजेस वर्ड्स वेरी वाइजली. सो या जान के ये बीच में जान आ जाता है. तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नरेन बन के रहूँ. मैसेज द फैंस यही रहेगा, गाइस प्लीज वॉच माय न्यू शो, अपकमिंग शो कुछ री जगत की ऐसी है, मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM फ्रॉम 19th फेब ओनली ऑन सोनी टीवी. और ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच.